गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चंस इन टू वेरिएबल्स स्टडी कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था, लेकिन कुछ बच्चों को पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1 का उसमें दिक्कत थी, तो जी मैं आज करूंगा दोनों पार्ट्स। पार्ट नंबर 4 है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो सबसे पहले हम पॉइंट ख़त्म करेंगे। 0.2 को हम 2/10 लिख सकते हैं प्लस 0.3 को 3/10 और ये y आ जाएगा, और 1.3 को 13/10 एंड जहां 4/10x प्लस 5/10y इज इक्वल टू 23/10। इसके बाद हम 10 कॉमन ले लेंगे 1/10, तो 2x रह गया प्लस 3y रह गया इक्वल टू 13/10 एंड जहाँ से भी 1/10 जब कॉमन ले लिया हमने, तो हमारे पास 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23/10। ये 10 और ये 10 कैंसिल, ये 10 और ये 10 कैंसिल, हमें क्या मिल जाएगा, ये हमारी आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 1 एंड 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23 जो आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 2। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट y निकाल लेते हैं, तो 5y आ जाएगा 23 माइनस 4x, तो जहां से y क्या आ जाएगा 23 माइनस 4x अपॉन 5 विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 23 माइनस 4x अपॉन 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, इसको 1 में डालेंगे, तो हमारी 1 है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 2x प्लस 3 की जगह y डाल देंगे इक्वल टू 13। y है हमारा 23 माइनस 4x अपॉन 5 विच इम्प्लाइज 2x अपॉन 1 हो गया प्लस 23 इंटू 3 69 माइनस 4x इंटू 3 माइनस 12x अपॉन 5 इज इक्वल टू 13 विच इम्प्लाइज 2x इंटू 5 10x प्लस 1 इंटू ये मल्टीप्लाई होगा 69 माइनस 12x अपॉन 5 इज इक्वल टू 13 विच इम्प्लाइज ये 5 इधर चला जाएगा 69 ये आ गया 10x माइनस 12x माइनस 2x इज इक्वल टू 5 इंटू 13 65 विच इम्प्लाइज ये 2x उधर चला जाएगा 69 इक्वल टू 2x प्लस का हो गया प्लस 65 माइनस 2x उधर जाके प्लस 2x हो गया, जहाँ से हमें 69 माइनस 65 मिल जाएगा, ये 65 इधर आ गया इक्वल टू 2x, ये हो गया 4 इक्वल टू 2x, ये 2 इधर आ जाएगा 4/2 इज इक्वल टू x, 4/2 2 इज इक्वल टू x विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2। ये आ गई हमारी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें मिल गई, x हमारा निकल गया, इसको हम क्वेश्चन नंबर 3 में डालेंगे। 23 माइनस 4 इंटू 2 8/5, 23 माइनस 8 15, 15.5
थ्री हमें मिल जाएगा बाई पुट इक्वेशन फोर इन इक्वेशन थ्री वी गेट y इज इक्वल टू 23 माइनस 4 इंटू एक्स हमने 2 निकाला है अपॉन 5 23 माइनस 8 अपॉन 5 दैट इज 15 अपॉन 5 दैट इज 3 विच इंप्लाइज y इक्वल टू 3 दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें x मिला है और 5 में y एक्स हमें मिला 2 एंड वाई मिला 3। इस तरह से ये करना है। उसके बाद पार्ट नंबर 5 है। तो ये क्या है, रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री वाई इज इक्वल टू 0 एंड रूट थ्री एक्स माइनस रूट एट वाई इज इक्वल टू 0। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2। फ्रॉम 2 वी गेट, 2 से हमें क्या मिल जाएगा, रूट थ्री एक्स इक्वल टू रूट एट वाई। ये रूट इधर चला जाएगा विच इंप्लाइज रूट थ्री अपॉन रूट एट एक्स इज इक्वल टू वाई। वाई हमें मिल गया रूट थ्री अपॉन रूट एट इंटू एक्स विच इंप्लाइज वाई इज इक्वल टू रूट थ्री अपॉन रूट एट इंटू एक्स विच इंप्लाइज वाई इज इक्वल टू रूट थ्री अपॉन रूट एट होता है 2√2। ये लिख देते हैं क्योंकि इसका हमें फायदा होगा। तो ये आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 3। इसको हम 1 में डालेंगे, पुट 3 इन 1 वी गेट। जब 1 में डालेंगे तो हमें मिल जाएगा रूट टू एक्स हमारी 1 है, ये रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री इंटू वाई इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। और हमारा वाई है रूट थ्री अपॉन 2√2 और एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, रूट टू एक्स अपॉन 1 प्लस रूट थ्री थ्री हो जाएगा अपॉन 2√2 एक्स इज इक्वल टू 0। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू रूट टू का स्क्वेयर रूट टू ये 2 इंटू ये एक्स प्लस 1 इंटू थ्री एक्स अपॉन 2√2 इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज 2 इंटू 4 और साथ में x प्लस 3x इज इक्वल टू ये उधर चला जाएगा 0 इंटू 2√2। ये हो गया 8x प्लस ये सॉरी रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा, ये हो जाएगा 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज 7x इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज x इक्वल टू 0.7 विच इंप्लाइज x इक्वल टू 0। जे आ जाएगी हमारी क्वेश्चन नंबर 4। इसको जब हम इधर डालेंगे x 0 तो y भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 के साथ जब कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो तो वो 0 हो जाती है। पुट 4 इन 3 वी गेट पुट 4 इन 3 वी गेट y इज इक्वल टू रूट थ्री अपॉन 2√2 रूट थ्री अपॉन 2√2 इंटू एक्स। एक्स हमारा 0 निकला तो ये 0 हो जाएगा पूरा। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 5। देयरफॉर x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। ये आपका आंसर है। ओके okay।